बोल। ये है माउंट आबू में स्थित वैक्स म्यूजियम। इस म्यूजियम की खास विशेषता ये है कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल सारी सेलिब्रिटी को रखा गया है। इसको एक बहुत अलग तरह की फैसिलिटी में रखा गया है कि जिससे कि पूरा म्यूजियम मेंटेन हो। यहाँ पे बॉलीवुड के कलाकार के साथ साथ भारत की वैदिक संस्कृति से लेकर आज तक कि जितने भी भारतीय सेलिब्रिटी है उसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज को लिया है। ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए इस स्कल्पचर को, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष। थॉमस अल्वा एडिशन। और इसके साथ साथ आगे देखिए हमारे कूल कैप्टन मिस्टर धोनी और सचिन तेंदुलकर। इसके ये एमएस धोनी का स्कल्पचर है और इसके साथ साथ उसकी ट्रॉफी भी यहाँ पे रखी गई है। और सचिन तेंदुलकर और हमारी वैदिक संस्कृति से स्वामी विवेकानंद से लेकर सत्य श्री साई बाबा, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव तक, मतलब पूरा वैदिक विजडम यहाँ पर स्थापित किया है। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी है और द आर्ट ऑफ योगा भी है। तो जो ये सारा स्कल्पचर है वो पूरा वैक्स म्यूजियम आप ले सकते हो आबू में, जो स्थित है ये गुरु शिखर के रास्ते में स्थित है। लंदन आर्ट टैगोर से लेके आगे हम देखेंगे प्रतिमाएं। और यहाँ पे विश्व की सर्वश्रेष्ठ मोनालिसा की भी तस्वीर म्यूजियम में स्थापित है, स्कल्पचर स्थापित है। ये म्यूजियम बनाया था ललित देवासी जिन्होंने अपने आर्ट का 2015 में बनाया था, जो लॉर्ड कृष्णा का था। इसके बाद उसके 2014 से 2018 तक लगभग भारत के सभी गांव में उन्होंने वैक्स म्यूजियम बनाना शुरू किया, जो भारत के टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट में प्लेस में लगाना चाहते हैं। ये है ललित देवाश्री जिन्होंने म्यूजियम का आइडिया लिया और जिन्होंने खुद इसका स्कल्पचर लेआउट किया।